दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ उस वैकेंसी की, उस पद की, उस डिपार्टमेंट की, जिसके बारे में आज तक हमने सिर्फ सुना था, जिसके बारे में मूवीज़ देख देख के सिर्फ सपनों में उसके लिए सपने लिए थे कि क्या हम भी एक ऐसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में क्या हम कभी जॉब कर पाएंगे। डजेंट मैटर यार कि वो आपकी जॉब है, वो कोई मैटर नहीं करता कि आप किस पद पर हैं, ठीक है, कि आप किस पद पर आप अपर साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं तो आप LDC बन सकते हैं, LDC नहीं, UDC नहीं, असिस्टेंट नहीं तो कम से कम वहाँ MTS बन करके अंदर प्रवेश तो कीजिए। जिस दिन आप प्रवेश कर गए तो उस दिन असिस्टेंट भी बन जाएंगे, और कभी अगर और रहा तो असिस्टेंट से जा करके हम और भी ऊंची पोस्ट पर जाते रहेंगे, लेकिन पहले जीरो लेवल से हम एंट्री तो लें। इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपने पहले भी वीडियो देख रखा है और आप ये सोचे कि इसमें अलग क्या है, तो बिल्कुल आपका सोचना जायज है। इसमें अलग क्या है? हाँ, इसमें बहुत कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि अब तक आपने जो वीडियोज देखे थे ना, उनमें सिर्फ आपको न्यूज की कटिंग दिखा करके उसको रीडिंग की गई थी। मैं कोई न्यूज रीडिंग नहीं करने आया हूँ यहाँ। मेरा लास्ट में आने का मतलब क्या, आप सोच रहे होंगे कि सर आप वीडियो लेट लेके आए। नहीं दोस्तों, मैं वीडियो लेट नहीं लेके आया हूँ, बल्कि मेरा काम होता है हर एक चीज को एनालिसिस करना, हर एक चीज को एनालिटिकल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आता हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम किसी की सुनते नहीं, सारी की सारी भीड़ में शामिल होना मुझे नहीं आता है। सबसे अलग चीज है, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद को एहसास होगा किस वैकेंसी में, इस वीडियो में आपके लिए अलग क्या है। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा था या जब भी अभी तक मानस नहीं बना रखा था, उनके लिए तो बहुत अच्छी और भी खबर है। अगर आपका मानस नहीं था, आपका मानस बनाना मेरा काम है, आपको रेडी करना, आपको इसके बारे में सारी बातें समझाना मेरा काम है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, वादा करता हूँ, अगले 5 से 7 मिनट में आपको एक कितनी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें लेकर के आया हूँ ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिस डिपार्टमेंट में हम वैकेंसी फिलअप करने जा रहे हैं, हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे सपनों का संसार जो है वो क्या है, हमें कहाँ जाना है, उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं डिफेंस के बारे में अगर बात करता हूँ, डिफेंस की या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो हमारे देश में दो ही बड़े इसरो और DRDO, ठीक है। इसरो का काम क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए, और DRDO का काम क्या होता है उसके बाद में मैं इस वैकेंसी की बातें करूंगा, जो कि आपके लिए सब कुछ है। इन क्वेश्चन मार्क में मैं कैसा क्या फिलअप करूंगा कि आपके माइंड में वो सब कुछ भर के आप वैकेंसी भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसरो का काम क्या होता है, जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन वो किस तरीके से वर्क करता है। इसरो का काम होता है हमारे सैटेलाइट वगैरह को, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो इसरो का काम होता है। DRDO का काम होता है डिफेंस से रिलेटेड, मतलब हमारी जिससे डिफेंस में आर्मी आती है, ठीक है, आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, इस डिफेंस से रिलेटेड जितने भी काम होता है वो DRDO करता है, जो हमारे देश की सबसे प्रमुख एजेंसी है। वहां पे अगर हम अब तक ऊंची पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए तो हम MTS के थ्रू इसके अंदर कैसे जाए। MTS का मतलब क्या होता है, MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं कि DRDO का मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्तों, DRDO, ठीक है, DRDO आज तक सपनों में सुना था, मूवीज में सुना था, लेकिन आज आप खुद उसके अंदर जॉब करने का सपना संजो करके बैठे हैं तो आप जरूर उसमें जाएंगे, ठीक है। डिफेंस रिसर्च, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो नई नई शोध करता है, ठीक है, उसमें कुछ डेवलप करने के लिए हमेशा एक ऐसा संगठन जो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया करने का काम करता है, यही होता है आपका DRDO। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो वैकेंसी आई है वो आई CPTAM। ये होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए पहले, सेंटर फॉर प्रोफेशनल टैलेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर जो वैकेंसी आई है वो आई है आपकी MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। सर इसमें अलग क्या है, हम इसमें फॉर्म फिलअप क्यों करें, ये तो एक नॉर्मल लेवल की जॉब है, ये तो मल्टीटास्किंग जॉब है, और मतलब इसमें तो सर ये फोर्थ ग्रेड की जॉब है। दोस्तों एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे आप असिस्टेंट बनकर के बैठे, लेकिन वहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ कोई इज्जत नहीं है, आपको MTS स्टाफ वाला या LDC भी आपको दो बात कह के चला जाता ना, तो धिक्कार है आपका ऐसा जॉब करना। लेकिन अगर कहीं भी आप फोर्थ ग्रेड के स्टाफ में भी हैं और वहाँ पे भी आपको बाहर निकलते हो तो सैल्यूट मिलता है, अंदर आपको सैल्यूट करके चलते हैं ना, तो फोर्थ ग्रेड भी उससे बहुत बेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो यार, आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, लेकिन आप ऐसी जगह जा करके खड़े होते हो जहाँ आपकी इज्जत
इज्जत सम्मान नहीं है ना, तो आपकी जो पद की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप छोटे भी हैं ना, अगर आप छोटे पद पे जॉब करते हो, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो उसकी वैल्यू होगी, आपको वही सम्मान दिया जाएगा, आपको जी लगा के बात किया जाएगा, बिल्कुल वही है। आप मल्टीटास्किंग मत देखिए, आप ये देखिए कि डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट पे जाइए, आपका पे स्केल क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप कैसे लोगों के साथ बैठेंगे, आप देश की सुरक्षा करने वालों के साथ में हाथ मिला करके उनके साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ। अपने आप के अंतरात्मा से ये कहेंगे, हाँ मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मेरी मेहनत है ना एक अलग आयाम पे पहुँच रही है। चलिए बात करता हूँ, अगर आप इस मेरी बातों से संतुष्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ समझा के चलूंगा और आपको मैं बताऊंगा। अगर आप गार्जियन हैं अपने बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप बच्चे हैं अपने माँ बाप के लिए सोच रहे हैं तो इसको देखिएगा। अगर रेपुटेशन के साथ जॉब चाहिए ना तो फोर्थ ग्रेड होगी, लेकिन इसके अंदर जरूर जाना। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ DRDO के अंदर, इसके पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं उनके बारे में बात करता हूँ। प्यारे दोस्तों, पहले इसके बारे में नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, एज की बात करेंगे, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है, सैलरी कितनी, क्वालिफिकेशंस कितनी है, इसमें सिलेबस क्या रखा जाएगा, सिलेबस उनके बाद इसकी कितने लेवल में एग्जाम होगी, सारी की सारी बातें करूँगा। लेकिन आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मेरी बात को पूरा करने के लिए आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं एज मतलब वहाँ स्टेप बाई स्टेप बात करता हूं कि इसके नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, इसके नंबर ऑफ वैकेंसी है 1817 मतलब 1817 जो इसमें टोटल वैकेंसी है। इसके अंदर जो एज फैक्टर क्या रखा गया है, एज फैक्टर इसमें 18 से 25 साल रखा गया है। दोस्तों, इसका एज फैक्टर जो 18 से जो 25 रखा गया है वो कब तक हो जाना चाहिए, मतलब ये जो मिनिमम तो 18 और मैक्सिमम 25 है वो 23 जनवरी 2020 तक ये एज फैक्टर आपका होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक एक चीज को अपन नोट करते चलेंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि पहले योग्यता जाने तो ही तो हम आगे बढ़े ना। नॉर्मली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इतना तो कंफर्म है कि आप 10th पास तो होंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं मांगी गई है। प्यारे दोस्तों, इसकी 10th या अगर आपने 10th नहीं किया है, 10th के बाद में आपने ITI कर ली है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपका सबसे बड़ा सवाल पता क्या है इस जनरेशन की, पहले सैलरी देखते हैं यार कि सैलरी होगी तो उसी हिसाब से मैं जॉब करूंगा। तो इसके लिए सैलरी जो बेस रखा गया है ना, वो सैलरी बेस क्या रखा गया है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 18,000 से स्टार्ट होकर के मिनिमम जो इसका पे स्केल होगा 18,000 से स्टार्ट होकर के ये 56,900 रुपये तक इसका पे स्केल मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम आपके पे स्केल वगैरह जो आपके भत्ते वगैरह मिला करके यहाँ तक जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको 18,000 मतलब ये नॉर्मली मान के चलिए तो 20 से 22,000 रुपये आपको स्टार्टिंग जो प्रोविजन पीरियड होता है ना उसके अंदर भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सैलरी की तो थोड़ी सी अंदर से अंतरात्मा को शांति मिली ना कि यार सैलरी तो अच्छी है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जो पोस्ट दे रखी है ना, पोस्ट आपको 18 से 17 वैकेंसी दे रखी है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसमें किसी ने नहीं बताया होगा, कितने वीडियो आपने देखे होंगे कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर चेक करके चलूँगा। प्यारे दोस्तों, इसमें जनरल की जो वैकेंसी है ना वो है 849849। उसके बाद में EWS जो इकोनॉमिकल वीकर्स होते हैं उनके लिए है वैकेंसी 188। उसके बाद में आपके लिए OBC, SC, ST इनके लिए अगर मैं बात करता हूं तो SC के लिए 163, उसके बाद में ST के लिए है ये 114, ठीक है 114। एंड इसके बाद में OBC की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 503। इस तरीके से करके टोटल वैकेंसी होती है 1870। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए 849 है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो जनरल की ज़्यादा होती है, तो 849। CWS के लिए 188। EWS का सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं भी बना है और अगर आप आगे बनवा सकते हैं तो आप EWS से फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी मेन चीज़ जो आती है पे स्केल, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में कई बार जो हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं वो बोलते हैं कि सर आप हमारे बारे में कोई बात नहीं करता, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके बारे में बात करूँगा। जो हैंडीकैप की जो PWD कैंडिडेट है उनकी जो वैकेंसी होती है उसके बारे में मैं बात करूँगा। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो PWD जो हैंडीकैप कैटेगरी है, कैटेगरी ए,
बी सी एंड डी, इसकी कैटेगरी आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा। इसमें सबको कैटेगरी वाइज जो पोस्ट दी गई है ना, उसमें ये देख लीजिए, यहाँ पे 18, 18, 18 एंड 19, यहाँ पे मतलब ए कैटेगरी में जैसे रखा गया है जो ब्लाइंड लोग हैं, यहाँ पे फिर जो सुनने की समस्या से पीड़ित हैं ऐसे लोग होंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि चलने सुनने में, हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ें होंगी, उन कैटेगरी में डिवाइड करके इनकी अलग अलग पोस्ट दी गई है। तो आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी दिव्यांग हैं, जो भी एक फिजिकल हैंडीकैप है उनके बारे में बात करता हूँ। अब दोस्तों दूसरी बात, आप जब फॉर्म फिलअप करो तो उसके बारे में प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देनी होती है, मतलब ये यहाँ पे अलग अलग जगह से आप इसके लिए जो पोस्ट देंगे, मतलब आपको सेंटर कहाँ मांगना है एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, तो आपको सारे की सारी डिटेल दी हुई होगी नोटिफिकेशन में। अगर आप कहीं ई मित्र से भी जाकर के कहीं पर भी फॉर्म फिलअप करवाते हो तो आपको कोड देना होगा आप कहाँ का सेंटर मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बात करता हूँ, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए इसके बारे में अगर आप पोस्ट मांगी जाती है, जैसे आप जयपुर से या अहमदाबाद से, अहमदनगर से, आपको कहाँ कहाँ की पोस्ट दे रखी है उसके बारे में आप जरूर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जयपुर का जो कोड दे रखा है जयपुर का 20 है, जोधपुर का जो आपको कोड दे रखा है जोधपुर का कोड 22 है, इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस जरूर दे आपको, उसी के आधार पर आगे जा कर के आपके लिए अगर आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिलती है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको आप सोच समझ करके भरे, ये चीज़ें आपको कहीं पर भी नहीं बताई जाएंगी, मैं एक एक चीज आपको क्लियर करता चल रहा हूं। उसके बाद में दोस्तों ये जो सवाल आता है कि सर पहले ये बता दीजिए कि इसकी फीस क्या है, तो प्यारे दोस्तों इसकी फीस की बात करता हूं मैं, जो डीआरडीओ की, ध्यान दीजिएगा मैं डीआरडीओ की ही एमटीएस की ही बात कर रहा हूं, तो इसकी जो फीस है, फीस के बारे में बात करता हूँ अगर आपसे, तो इसकी जो फीस है वो रखी गई है 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ भी किसके लिए रखी गई है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट, मतलब जनरल के मेल कैंडिडेट, जनरल के मेल कैंडिडेट जो पुरुष वर्ग हैं वो भी जनरल के जो सामान्य वर्ग से हैं उनको 100 रुपये देने, बाकी सभी चाहे वो जनरल की है किसी भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करती, सभी फीमेल्स के लिए, सभी फीमेल्स के लिए ये फ्री है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ एससी, एसटी, ओबीसी, अदर किसी भी कास्ट के लिए ये बिल्कुल फ्री है, तो आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ 100 रुपीज़ के इसकी फ़ीस होगी और वो भी सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ रही होगी, और चीज़ें भी मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। इसके बाद में आपको एग्ज़ाम कितने लेवल में होगा, ठीक है, इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और चीज़ें क्या दे रखी है उसके बारे में अपन सारी बातें करेंगे। देखिए इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो 2 टीयर में होगी, मतलब तो आपको 2 प्रोसेस अपनाने होंगे, एक टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। इसकी जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा, देखिए जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में बात करता हूँ मैं, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, क्या पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एक तो होगा टीयर 1, ठीक है, एक होगा आपका टीयर 2, ये ध्यान दीजिए ये आपका टीयर 2। यहाँ इसके अंदर टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंस क्या है इसके बारे में सारी बात करूँगा। टीयर 1 मतलब ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगी, एक फर्स्ट पार्ट मतलब जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, और सेकंड पार्ट होगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ कि इसके दोनों ही टीयर के अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि नो निगेटिव मार्किंग, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो आप क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आने हैं, बाद में मत बोलना यार मेरे को पता ही नहीं था, नहीं तो मैं पूरे क्वेश्चन करता या करती। तो ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल कैंडिडेट सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ये टोटल जो टीयर फर्स्ट होगा वो टोटल इसके अंदर 3 पेपर आएंगे, ए बी और सी, ये 3 पार्ट क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कितने मार्क्स के होंगे ये भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको देखिए ये एक होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस सी एंड रीजनिंग, जैसे मैं बात करता हूँ इसको बौद्धिक क्षमता बोला जाता है, ये होती है आपकी रीजनिंग, इसके मार्क्स की सबकी बात करूँगा। सेकेंड पार्ट जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये भी कितने नंबर का होगा सारी बात करता हूँ। एक होगा आपका मैथ, जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोला जाता है, इसके बारे में बात करता हूँ मैथ्स की। प्यारे दोस्तों ये जो पेपर होगा कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा वो 35 मार्क्स का होगा, ये आपका 30 मार्क्स का होगा, और मैथ्स होगा आपका 30 मार्क्स का,
ठीक है, ये 35 का, ये ऐसे करके आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 100 और क्वेश्चन भी कितने होंगे 100। ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर आपको पढ़ना कैसे है, ये अलग क्यों है, इसके बारे में सारी बातें बताने वाला हूँ आपको। जो टीयर फर्स्ट होगा इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 45% मार्क्स हैं वो जनरल कैंडिडेट को लाने होंगे। पहले तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको 40% मार्क्स हैं जनरल कैंडिडेट को लाने होंगे। इसी के साथ अगर आप एसटी और एससी के हैं, ठीक है, एसटी एससी के हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ओबीसी वगैरह अदर कैटेगरी से तो वो भी आप 40% मार्क्स ही आपको लेकर के चलने होंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे। हर सब्जेक्ट में पास होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ओवरऑल आपको 40% और 35% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ कि चीज़ें कहाँ से पढ़े, इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में मैं बात करूँगा। बेस्ट बुक के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा, डिपेंड करता है आपको ये वीडियो कितना पसंद आता है, इस पर रेस्पॉन्स कितना था, आप कितना शेयर करते और कितने लोग इस पर विश्वास जताते हैं, तो उसके लिए मेहनत करने का मन करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर बनेगा और शेयर तो आप करना ही है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट की टेंशन आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं खुद यहाँ पे एक वैकेंसी अपडेट देने के साथ साथ मैं जनरल जो आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पे भी इसकी क्लासेज चलती जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ क्लास नहीं ले रहे, इसके नोट्स भी लेना चाहते हैं, तो भी आपको व्हाट्सएप में क्या लिंक दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसके पूरी डिटेल बताऊँगा। तो जनरल जो रीजनिंग है आपकी कितनी, 35 मार्क्स की आएगी। जनरल अवेयरनेस है वो 30 मार्क्स का होगा और मैथ्स होगी वो 35 मार्क्स की होगी। ऐसे करके 100 out of 100 क्वेश्चंस होंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, वो 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ रीजनिंग के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प करूंगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। इसके नोट्स चाहिए आपको या क्लासेज चाहिए, क्लासेज ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, जो कि रेलवे और ग्रुप डी और एनटीपीसी का कोर्स चल रहा है उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए भी अलग से आपके क्लासेज चालू कर दूंगा। ये आपका टीयर वन है, इसमें मैंने बता दिया मिनिमम आपको 40% लाना होगा और यहाँ पे 40% जनरल और एसटी एसटी के लिए आपके 35% लाना होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये होने के बाद में देखिए दोस्तों, इसमें ये होने के बाद में आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इसमें कवर कर सको। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, क्योंकि मेरिट बनने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको 40% मत मान के चलिए, आपको सिर्फ पास ही नहीं होना, आपको कंपटीशन में बहुत आगे तक जाना है। इसलिए आप ये सोच के चलिए ना यार, मुझे 40% ही क्यों, मिनिमम मेरा कम से कम 80% तो होना चाहिए, जो आप अपने आप को सिक्योर मान के चलिए। इसके बाद में प्यारे दोस्तों टीयर सेकेंड आता है। इसके अंदर टीयर सेकंड के अंदर क्या पूछा जाता है, आपको कई जगह ये बता रखा है कि इसमें इंग्लिश नहीं है, तो ये आपको गलत बता रखा है कि इसके अंदर इंग्लिश भी है दोस्तों। वो क्या क्या दे रखा है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है आपको दे रखा है जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस के अंदर आपको क्या क्या दिया है सारी बात करते हैं अपन, जनरल साइंस। दूसरा है आपका जनरल, जो सेकेंड पार्ट होगा उसके अंदर आपका जनरल मैथ्स, ठीक है, और जो सी पार्ट होगा उसमें जनरल इंग्लिश। ये आपके तीन पेपर लगने वाले हैं टीयर सेकंड के अंदर। ये प्यारे दोस्तों कितने कितने मार्क्स के हैं, ये 40, ये 40 एंड ये 20, टोटल वो के वो 100 and out of 100। मतलब आपका जनरल साइंस का जो पेपर होगा टीयर सेकंड में वो 40 मार्क्स का, जनरल मैथ्स का होगा 40 मार्क्स को, जनरल इंग्लिश का होगा 20 मार्क्स का, 100 out of 100। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पर भी बताया गया कि एक टीयर में पास होना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको दोनों में पास होना, और इसके अंदर वही रूल, आपको मिनिमम 40% लाना जरूरी होगा और 35% एससी और एसटी को लाना जरूरी होगा। दोनों के मार्क्स मिलकर के आपके मेरिट कवर करेंगे, तो दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के चलने हैं। अगर आपका टीयर वन में कहीं कमी रहती है तो टीयर सेकंड में आप पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इन दोनों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि आपको डीआरडीओ की वैकेंसी बार बार नहीं आती दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आती है। इसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर की, फिर भी अगर कुछ बचा हो, फीस मैंने बता दी आपको, प्रेफरेंस दे दिया आपको इस तरीके से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो टीयर फर्स्ट है, मैं आपको बता दूं, टीयर फर्स्ट में मतलब टीयर सेकंड में आने के लिए आपको एक अगर 1817 वैकेंसी है तो इसके 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट पे 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा, मतलब यहाँ पे 18,170
ये ध्यान दीजिएगा, अगर 1817 वैकेंसी है तो टीयर फर्स्ट में 18,170 लोगों को पास किया जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे कितना किस रेशियो में पास होते हो उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे 10 गुना के आधार पर आपको पास किया जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक चीज़ कवर करने की, आपको इस चीज़ से जोड़ने की। एक और बात कि सर हम इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी पढ़े, कौन सी बुक होगी, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आपको कितना समझ में आया, मुझे कमेंट के सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उस पर आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये सबसे बहुत बड़ा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि फोर्थ ग्रेड है, ठीक है, फोर्थ ग्रेड में इसमें काम क्या होता है, हो सकता है आपको फाइलिंग का काम दे दे, हो सकता है आपको और भी अदर काम दे दे, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जॉब है, अपनी ड्यूटी है, वो हमें एक कर्तव्य जो परायण होकर के कर्तव्य को निभाना है ना, उस पर हमेशा बने रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा कर्तव्य यही कहता है कि मैं आपको एक सही पथ पर लेके जा सकूं। तो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।